में लगे दो फेस तो दिखाओ फेस। हैप्पी होली। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि ये होली का ब्लॉग है तो होली के रंग पूरे शुरू हो चुके हैं लड्डू गोपाल के साथ और फैमिली के साथ। आप भी सब ऐसे इंजॉय करें और हमारे ब्लॉग को भी इंजॉय करें। लाइक करना, शेयर करना, न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस यहाँ पे मैंने इमली भिगो दी है और इमली को ऐसे छान के उसका हम बना लेंगे चटनी। और इस तरह से इसको गैस पे रख के पकाएंगे और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। ये हमारी बन गई है जी मीठी चटनी, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ गाइस दुलैंडी पर। चटनी तो साथ के साथ ही अच्छी लगती है। इसको हम बना के स्टोर करके रख सकते हैं। अभी ये गर्म है, ठंडी होके और अच्छी हो जाएगी। और ये मूंग उड़द की दाल हमने रात में भिगो दी थी तो अभी मैं इसको पीस लूँगी। और जी इसमें नमक डाला है, अपने स्वाद अनुसार डालें। और सोडा वोडा कुछ नहीं डालेंगे, आज हम ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल सिंपल। बस हमने इसको पीस लिया है। इसमें अदरक हरी मिर्च आपको जो अच्छा लगता है वो डाल सकते हो। पीसने में बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये देखिए पीस गया है। और इसको हम और अब मैं इसको ऐसे ही करके रख दूंगी गाइस, क्योंकि जब बनाएंगे जब भी थोड़ा फेंट लेंगे हम फिर बहुत ही अच्छे बनेंगे। चावल बन रहे हैं गाइस, यहाँ दाल बन रही है और इधर मैंने रख दिया है इसको फेंट के। थोड़ी देर में बनाएंगे दही बड़े अपने। ये हमारी ग्रीन चटनी बन चुकी है, लाल भी बन गई है, लगी हुई है बैलून फुलाने के लिए। होली में गुब्बारे भर भर के मस्ती पूरी होने वाली है। दोनों बहन भाइयों को देखे गाइस, और अभी सुबह के 9 ही बजे हैं, 9:30 बजे। ये वेदांत क्या कर रहा, बैलून इसमें गांठ लगानी आती नहीं है, मम्मा लगा दो, मम्मा को परेशान कर रहा है ये बार बार। अपनी दीदी लगा दो, अपनी दीदी लगा। यहाँ अपनी पिचकारी के साथ पूरी व्यस्त, अब फोन पर मत मार दिए। दोनों पिचकारी में पानी भरने में लगे दो, फेस तो दिखाओ फेस। वेदांत पहचान भी नहीं आ रहा है। ये बनी अपनी दिखाइयो, अपनी का तो स्वागत हो गई है जी। फ्राई चावल बन चुके हैं, खाने की तो हो गई तैयारी। सुबह नमक की रोटी खा चुके हैं, कर देते हैं गैस को बंद। यहाँ पे चावल भी हमारे बन चुके हैं गाइस। और ये देखिए गाइस, बनाने से पहले इसको थोड़ा ऐसे ही फेंट ले अच्छे से। बहुत ही अच्छे बने थे, पहले मैंने हाथ से डाले, हाथ से ज्यादा अच्छे नहीं बन रहे थे। उसके बाद भी मैंने चम्मच से डाल के बनाए हैं, बहुत अच्छे बने। और इससे पहले ना गाइस मेरा मोबाइल जो था, मैं अम्मा को कलर लगा रही थी और इसके चाचा ने पानी डाला हमारे ऊपर, तो वो जाके मेरे मोबाइल पे गिर गया। वो मोबाइल हो गया था बंद। और ये सारी क्लिप हमारी पहली थी तो वो बीच में लग गई है गलती से, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे फ़ोन की आज बज गई जी बैंड, मुझे तो बड़ा डर हो गया था, पता नहीं अब मैं कैसे वीडियो बना पाऊँगी। खैर वो चल गया था शाम को ही। और यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते मैं पकोड़े बना रही हूँ, दही बड़े पकोड़े बोल रही हूँ। और जी देखो अब मैं स्पून से डालूँगी। स्पून से डालने के बाद ना बहुत ही अच्छे बने थे गाइस, और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। और मैंने इसमें ना इनो डाली है और ना कुछ डाला है, बहुत ही अच्छे बने। ये बन गए गाइस हमारे पकोड़े, बहुत ही स्पून से डाले हैं, बहुत अच्छे से डलते हैं, ना हाथ गंदे होते। और देखो कितने अच्छे बने हैं, ना इनमें इनो है ना कि खाने वाला सोडा, बिल्कुल सिंपल। बस अदरक हरी मिर्ची और यही सब डाले हैं, नमक। देखो कितने अच्छे फूल रहे हैं, स्पंजी वाले बने बिल्कुल। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये हो गए हैं जी। देखो यहाँ पे अवनी खा रही है जी, दही बड़े बन के रेडी हो गए गाइस, बहुत टेस्टी बने हैं। कैसे लग रहे हैं खाने में ये बता दो। अच्छे अच्छे। तो गाइस होली खेलने के बाद नहाना धोना हो चुका है और दोपहर के बज चुके हैं जी 2। और ठंडी चाट भी हमने बना ली है, खा भी ली है और आप सभी को दिखाई भी थी, और बहुत टेस्टी बनी है। अवनी वेदांत सभी ने खाई है खूब इंजॉय करके। तो मिलते हैं आपसे अभी। अच्छा।
चाय लेकर आ गई हूँ, अब चाय पीते हैं। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ गाइस, और फिर मैं अपनी लाइव करूँगी। 4 बज चुके हैं, और जी मेरी जो टेंशन हो रही थी ना, पता नहीं फ़ोन चलेगा या नहीं, लेकिन वो चल गया था 2 बजे सी। खैर चलो, ये खाते हैं ब्रेड पकोड़े जो कि मानसी ने दिए हैं, चाचा की बेटी ने बनाए हैं। शाम का टाइम हो चुका है, आप सब भी खा लीजिए, और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे। सब शाम हो चुकी है, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं प्यार मिनी ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमने होली पे बहुत सारा मजा किया है, आई होप आपने भी किया होगा। बाय बाय। तो जी ब्रेड पकौड़ा बहुत टेस्टी बनाएगा इस, बिल्कुल मस्त वाला जैसा कि मुझे पसंद है। बाय बाय। बाय बाय गाइस।